सब दीदी का प्रणाम। अब सब दीदी उठ के प्रार्थना शुरू कर दे। उठियो शक्ति हने देने दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते से हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। बढ़ते कदम बढ़ते कदम बढ़ते कदम बढ़ते कदम बढ़ते कदम बढ़ते कदम। सभी दीदी भैया के प्रणाम। मेरा नाम जहूरा खातून, तारा जीविका संघ सहायता समूह का कोषा अध्यक्ष हूँ, कस्तूरबा जीविका महिला ग्राम संगठन का अध्यक्ष हूँ, जनसेवा जीविका संकुल स्तरीय संघ का अध्यक्ष। सभी दीदी भैया का प्रणाम। हमर नाम मीना देवी, राम जीविका संघ सहायता समूह के कसाई अध्यक्ष, कस्तूरबा जीविका महिला ग्राम संगठन के उप अध्यक्ष, संकुल स्तरीय संघ के सदस्य। सभी दीदी भैया को प्रणाम। मेरा नाम तत्री देवी, सीता जीविका संघ सहायता में समूह के कसा अध्यक्ष हूँ, कस्तूरबा जीविका महिला ग्राम संगठन का उप सचिव हूँ, जनसभा जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ का सदस्य। सभी दीदी भैया को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्रभात कुमार, मैं पवैया पंचायत में चार भियों के साथ बुकीपर पद पर कार्य करता हूँ। प्रार्थना परिचय भागले भैया, आप उपस्थिति लिखियो। ठीक छे दीदी, तब हम उपस्थिति शुरू करे छे। लक्ष्मी जीविका स्वयं सहायता समूह अध्यक्ष। जय जीविका। चांद जीविका अध्यक्ष। पिछला बैठक के समीक्षा करके सुनियो भैया जी की पिछला बैठक में। पिछले बैठक में अचानक बचत एवं ऋण वापसी पर चर्चा, चावल की राशि जमा करने पर चर्चा एवं अचानक ऋण वापसी पर चर्चा, झंडा तोलन पर चर्चा, ग्राम संगठन सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा, द्वितीय लिंकेज पर चर्चा, स्वास्थ्य एवं पोषण समिति के गठन पर चर्चा, एचआरएफ ऋण की मांग पर चर्चा, लक्ष्मी जीविका से एचआरएफ मूलधन 2000 ब्याज 200 रुपया आया, 11000 रुपया बकाया, राम जीविका से 500 रुपया मूलधन 200 रुपया ब्याज, कोसी से 3000 रुपया मूलधन और 220 रुपया ब्याज, चांदनी से 6000 मूलधन 430 रुपया ब्याज, तारा से 420 रुपया ब्याज। इस तरह से एचआरएफ मूलधन वापसी
9600 रुपया मूलधन, 1360 रुपया ब्याज। पिछले बैठक में अचानक ऋण के लिए एक आवेदन चंद जीविका स्वयं सहायता समूह से आया। 20 जुलेखा खातून के ऑपरेशन हेतु 20,000 रुपया के लिए ग्राम संगठन ने निर्णय लेकर उसे 15,000 रुपया स्वीकृत किया और उसे चेक द्वारा 15,000 की राशि का भुगतान किया। अंतिम में ग्राम संगठन के पास अंतिम नगद से 60,245 रुपया हुआ, जिसमें 55,000 रुपया बैंक में बचत खाते पर जमा करने का निर्णय लिया गया। आज के एजेंडा में दीदी कौन कौन चीज पर चर्चा हो चाहिए मुद्दा बताइयो। चावल खरीदे पर दीदी चर्चा होना चाहिए, बच्चा के स्कूल भेजे पर चर्चा। तीसरा एजेंडा बताइयो दीदी की हो चाहिए चावल की खरीदारी पर चर्चा, दूसरा एजेंडा स्वास्थ्य बचत पर चर्चा, तीसरा एजेंडा बच्चों को विद्यालय भेजने पर चर्चा, चौथा एजेंडा ऋण की आपसी पर चर्चा। पहला एजेंडा ही है दीदी कि सब समूह चावल खरीदारी पर सब समूह से मांग आ गया, सब समूह से ऑर्डर आ गए चावल, मांग आ गए चावल खरीदे की। मांग खरीदारी के लिए दीदी तो कितने कुंटल खरीदे के मांग ले दीदी? 42 कुंटल खरीदे के छे दीदी। की दीदी आप तो चावल के मांग आ गए तो बाजार सर्वे करके अब की ये पर चर्चा करबे से यहां सब निर्णय लियो। दूसरा एजेंडा पर भाजी चर्चा लिखियो, चावल वाला पर लिख लिए ना। दूसरा एजेंडा रहे स्वास्थ्य बचत पर, भैया आप दीदी का बारी बारी बुलाए के स्वास्थ्य बचत करवे। सीता समूह के दीदी आलू था स्वास्थ्य बचत करेगा। हाँ दीदी, सीता समूह के दीदी से 140 रुपया स्वास्थ्य बचत डाल गए। हाँ दीदी 140 रुपया छे। राम जीविका के दीदी आबू तो ऋण वापसी करे ला। राम जीविका के दीदी 500 रुपया मूलधन, 100 रुपया ब्याज। राम जीविका के दीदी 500 मूलधन, 100 ब्याज। हाँ ठीक है दीदी। हाँ दीदी, चांद समूह से मंगाया दुकान खोलने के लिए सुलेखा खातून 10,000 रुपया के आवेदन दल के अभी। लक्ष्मी समूह से किराना दुकान खोलने के लेल सीता देवी जे छे से 10,000 रुपया मांग कल के सामान। दीदी चांद जीविका से ऋण के आवेदन मांग ले सब दीदी के लिए तैयार छे ना दीदी? दू समूह से जे आवेदन अयले ऋण के मांग के तो ओकर की चर्चा होय चाही, ओकरा ऋण देल जाय या नहीं देल जाय से आ वहां सब ओकर समीक्षा करियो। दोनों समूह पर भैया ऋण छे? ऋण छे दीदी, लेकिन बाबा समूह जे छे वापस कर रहल छे हर महीना। वापस कर रहल छे तो ओकरा देल जाय? बक्सा पैसे रहे तो की हेतै दीदी? ओहिमे ऋण लगते तो पैसो बढ़ते तो सब दीदी ओहिमे हमरा यदि बिजनेस करे के छे तो हम बोलबे दीदी सबके कि हमरा दीदी 10,000 की जरूरी छे तो हमरा 10,000 टका चाहिए बिजनेस करे के। जब दोनों समूह से ऋण के मांग आयल छे दीदी तो ओकरा ऋण देल जाए, ऋण देल जाए दीदी, वैसे ओकरा दू पैसा बचत होते, बचते दीदी तो मैं बचतो करते, बाल बच्चा खेबो करते,
अपन पढ़ेबो लिखेबो करते, एहिमे ऋणो जमा करते, पैसा धरि कऽ की होतै दीदी? ओकरा देल जाय ऋण, दोनों दीदी मजबूर छै, ओकरा कोइ नहि छै कमबे खटबे वाला। सब दीदी निर्णय लै लेलिए दोनों समूह के, दीदी के ऋण दै के चाही तो दोनों समूह के ऋण देल जाय चेक के द्वारा। बैठक के समीक्षा तो हो गेलै आ एते काम होले, सीएम समूह से मासिक प्रतिवेदन लेलकै भैया? हाँ दीदी लेलिए मासिक प्रतिवेदन। मासिक प्रतिवेदन पढ़ियो भैया, हमरा तो सुनियो कि समूह की स्थिति की छै। हाँ दीदी, यहाँ के ग्राम संगठन में एक सरस्वती समूह छै, जाहिमे कि 12 सदस्य छै और ओकर अगला महीना जे बैठक भेलै से 4 बैठक भेलै, कुल बैठक 120 भेलै और महीना के कुल बचत 480 भेलै, ठीक छै। ओकर अब तक के कुल बचत 57,600 रुपया भेलै, ठीक छै। ओ सरस्वती समूह के बैंक लिंकेज भेल छै, ICF भी 50,000 ओहि समूह मे आयल छै। बैंक लिंकेज मे 2,500 रुपया मूलधन, 500 ब्याज सरस्वती समूह जे छै जमा कए देने छै, और ICF मे 1,000 मूलधन, 400 रुपया ब्याज, कुल 1,400 रुपया जमा केलकै। HRF ऋण भी ओ समूह 500 रुपया मूलधन, 100 रुपया ब्याज, 600 कुल टका जे छै जमा केलकै। बैंक मे 600 रुपया छै और हाथ के नगद राशि 1,255 रुपया छै। दीदी जते समीक्षा है एजेंडा है सब तऽ होइए गेलै, समूह से सब एजेंडा चलिए अयलै कि कोन समूह मे की होइ छै, सब रिपोर्ट चलि अयलै। आब उप समिति के समीक्षा होइ चाही दीदी, जे पिछला महीना मे दीदी कोन 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 दीदी काम कैलिए से तऽ हेतै ने दीदी? सर दीदी भैया को मेरा प्रणाम। मेरा नाम कारी देवी सरस्वती जीविका संघ सहिता समूह का अध्यक्ष हूँ, कस्तूरबा जीविका महिला ग्राम संगठन का सामाजिक कमेटी का सदस्य हूँ, संकुल स्तरीय संघ का सदस्य हूँ। सर पाँच हमार पहला काम पिछला महीना के काम रहे दीदी, पांच समूह में घूमे के, पांच समूह में जाए कर सब दीदी का कहलिए, बाल बच्चा नहीं जा रहे ककरो पढ़े ले, वो दीदी का कहलिए तो जेहो बाल बच्चा नहीं जा रहे, वो दीदी कहल के जे ठीक छे हम काल से भेजबे आंगनबाड़ी स्कूल पढ़ना जरूरी छे। जते कजेंडा रे दीदी सब पर चर्चा होइए गेले, आप उसी पर सैया तैर के सुनइयो कि अजंडा दीदी के सुना दियो कि कौन पर कौन चर्चा होले। ठीक छे दीदी, तो आजका जे भी कार्यवाही भेलै ओकरा पढ़ के हम सुना दै छी। सबसे पहले चावल के खरीदारी पर चर्चा भेलै, जाहिमे कि सब समूह से ग्राम संगठन में आवेदन अयलै चावल के मांग के, जे कि 42 क्विंटल भेलै, तऽ ओहि पर जे छै अहाँ सब सम्मति से निर्णय लेलियै कि चावल जे छै से मंगेनाइ छै, और खरीदारी समिति के जिम्मेवारी देलियै कि बाजार में जाकर 3 या 4 दुकान से चावल लाना छे, ठीक छे। ओकर बाद स्वास्थ्य बचत पर चर्चा भेलै, जाहिमे कि 12 समूह मिला के 1,440 रुपया स्वास्थ्य बचत भेलै। ओकर बाद ऋण के आपसी पर चर्चा भेलै, जाहिमे कि आम समूह जे छै 500 रुपया मूलधन और 100 रुपया ब्याज वापस केलकै। समान ऋण के आवेदन अयलै, समान ऋण के आवेदन मे चांद जीविका स्वयं सहायता समूह से 10,000 रुपया, मनिहारा दुकान खोले के लिए आवेदन अयलै, और लक्ष्मी जीविका से 10,000 रुपया किराना दुकान खोले के लिए आवेदन अयलै। तो समूह के भी समीक्षा भेलै कि ऋण वापसी सही तरीका से करै छै कि नहि करै छै। ओकर बाद
ऋण वापसी जब ओकर सही है तो सब दीदी निर्णय लेलिए कि ओकर जे छे से ओकरा ऋण देल जाए, ठीक छे, ओकरा चेक द्वारा भुगतान भेलै ऋण। ओकर बाद जे छे मासिक प्रतिवेदन पर चर्चा भेलै, जाहिमे कि सीएम के काज के समीक्षा भेलै और समूहों के देखल गेलै कि कौन समूह कौन स्थिति से चलि रहल छे, ओकर भी बाद उप समिति के समीक्षा करल गेलै, जाहिमे कि तीनों दीदी उप समिति के सामाजिक समिति के सदस्य जे छे से आबके अपन जे छे जे ओकरा पिछला बैठक में देल गेलै रहै जिम्मेवारी से समूह में जाकर बच्चा के विद्यालय भेजे पर भेजे के काम छे और समझना बुझेना छे, तो भी दीदी अपन जे छे रिपोर्ट प्रस्तुत करके भूए में, ठीक छे दीदी। तो आज के बैठक के अंतिम नगर शेष कोषाध्यक्ष के बक्सा के राशि 7,285 रुपया, जाहिमे कि 5,245 पिछला राशि रहे, 1,440 बचत भेलै, 500 रुपया मूलधन वापसी आ 100 रुपया ब्याज, सब मिलाकर 7,285 रुपया कोषाध्यक्ष के बक्सा में जमा छे। ठीक छै दीदी, आगे बैठक कहीं समाप्त होइ छै आ कार्यवाही रजिस्टर पर अपन अपन दस्तखत करि दियौ। चलिए दीदी साइन कीजिए। सब दीदी भैया को प्रणाम।